दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है प्रमोद लाड़वे जी को, जो कि हॉर्स राइडिंग एकेडमी के ट्रेनर है, साथ ही साथ मयंक को जो कि असिस्टेंट ट्रेनर है। दोस्तों हॉर्स राइडिंग करने के लिए आपको घुड़सवारी सीखनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको खास तौर पर ध्यान में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घोड़े को कंट्रोल कैसे करें, जब वो अनकंट्रोल हो जाए तो कौन से ट्रिक यूज करें, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना, जिस सारी चीजों के लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर ये बताइए कि बहुत से लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग को बहुत ही डिफिकल्ट टास्क समझते हैं, मतलब हॉर्स राइडिंग सीखना ही नहीं चाहते, अगर इच्छा है तो भी उनको ऐसा लगता है कि हॉर्स राइडिंग करने में खतरा ज्यादा होता है। तो बेसिक हॉर्स राइडिंग किसे कहते हैं? बेसिक तो सबसे पहले आप माउंट होकर, जैसे स्टार्टिंग में आप हॉर्स के साथ वॉक करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आपको माउंट होना है। माउंट होने के बाद तो आपको बताया जाएगा कि कैसे हैंडलिंग करना है और कंट्रोलिंग कैसे करना है। मैं ये बताइए कि हॉर्स राइडिंग के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि फॉर अपन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, तो क्या यही प्रकार आप हॉर्स राइडिंग में भी यूज करते हैं? हाँ, इसमें एक दो प्रकार होता है, एक थेरिकल और एक प्रैक्टिकल। जी, जिसमें थेरी में होता है कि जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, हाँ, उसमें हम उनको बताते कि सैडल क्या होता है, रेंज क्या होती है, आपको बैठना कहाँ पे, आपके लेग्स कहाँ पे रहेंगे, वैसा रहता है। और सेकेंड डे या थर्ड डे से हम उनको प्रैक्टिकल लेने, जो प्रैक्टिकल रहता है हॉर्स पे बैठना, हॉर्स पे कैसे वॉक कराना, उनसे बॉन्डिंग करना, फ्रेंडशिप करना, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है उनसे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो पहले आप लोग दे देते हैं, उसके बाद थियोरेटिकल नॉलेज सारे स्टेप बाय स्टेप देना पड़ता है। उसके पार्ट रहते हैं, रेंज, हेड कॉलर रहता है, कैसे पकड़ना, सैडल किसे बोलते हैं, कैंटल, पोमेल किसे बोलते हैं, रिकअप पैर का रखना, बेल्ट्स होते हैं उसके। अच्छा, वो सब हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर बताते हैं। प्रमोद जी ये बताइए कि अगर कोई लड़का पहली बार, बच्चा जो है वो हॉर्स राइडिंग सीखने जाए, तो उसके लिए कुछ एज बॉन्डिंग होती है कि मतलब किस एज का बच्चा जा सकता है? हमारे इधर तो 5 इयर्स अबव लेते जी, क्योंकि 5 इयर्स बच्चा कैसे की थोड़ा ये रहता है कि पकड़ सकता है घोड़े की रेंज वगैरह, ज्यादा छोटे बच्चे रहे तो कैसे उनका अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए 5 इयर्स अबव रहता है। एज लिमिट नहीं है इसमें, मतलब किसी भी एज के बच्चे जो हैं वो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। जी, कोई भी कर सकता है। तो जो नौसिखिया रहते हैं उनके लिए स्पेशल आप किस तरह से मतलब उनको ट्रीटमेंट देते हैं? साथ में हम हाथ में लेकर उनके साथ चलते हैं कि कैसे घोड़े को कंट्रोल करना है, कैसे रेंज पकड़ना है, उसके बाद उनको हाथ में देते हैं कि उनका डर निकले। सबसे मोस्ट डर वाला ही रहता है कि बच्चे डरते हैं जल्दी। अच्छा, तो हाथ में पकड़कर धीरे धीरे उनके साथ चलते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद उनको माउंट करवाकर धीरे धीरे छोड़ते हैं। अच्छा, मैं ये बताइए कि जैसे अभी प्रमोद सर ने कहा कि जो बेसिक जो नौसिखिया व्यक्ति होता है वो पहली बार हॉर्स राइडिंग करने जाता है, तो इस तरह की चीजें होती है कि ट्रेनर उनके साथ साथ चलता है कि कभी वो अनबैलेंस ना हो जाए, या फिर जो हॉर्स रहता है वो भी हैबिचुअल नहीं रहता है जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई हॉर्स नया है, जैसे आपकी एकेडमी में होता है ना कि कई नए लोगों को आप एंट्री करते हैं, तो उस नए हॉर्स को आप मिक्सअप करने में मतलब कैसे मैनेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो एकदम न्यू बॉर्न है तो उसको स्टार्टिंग तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हॉर्स की भी पर्टिकुलर एज होती है कि उसके बाद आप उसको ग्राउंड में लेते हैं? उसकी एक प्रॉपर एज होती है, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको हम 3-4 इयर्स तो उसका सिर्फ प्रॉपर डाइट पे जाता है उसका। अच्छा, फिर आफ्टर 3-4 इयर्स उसकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट होती है, उसके राइड करना उस पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको हम पहले लंचिंग देते हैं। अच्छा, एक सिंगल रोप बांध के उसे एक पर्टिकुलर सर्कल में उसको एक ड्रॉ, हमारे कमांड्स रहते हैं, वो कमांड्स हम उसको सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे उसको एक बेबी रहता है, उसको गुदगुली नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको पहले बेयर सैडल रखते हैं, ब्लैंकेट रखते हैं, उसको हैबिट होना चाहिए वो बात की। और फिर जैसे कोई उसको हम सब ट्रेनिंग देने के बाद में फिर प्रॉपर ट्रेन हो जाता है वो। अच्छा, वेट का कोई इशू होता है
मतलब पर्टिकुलर इतना ही वेट का जो है वो बैठ सकता है उसके ऊपर? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक क्या रहता है कि जो थोड़ा हेल्दी पर्सन रहता है, एक थोड़ा सा तकलीफ हॉर्स को होता है, यानी कहीं कोई चढ़ रहा है दौड़ रहा है, एक थोड़ा लाइट फर्क पड़ता है, बाकी इतना कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा ये बताइए कि हमारे बहुत सारे दर्शक और हम लोग भी, हम लोग ने सुना है कि हॉर्स कभी सोते नहीं है, तो कितना सही है ये बात? सभी हॉर्स सोते हैं ऐसा? अच्छा। ये अब लोगों की मेंटेलिटी ये हुई की कि पहले से बोलते आ रहे कि घोड़ा अगर सो गया तो मर जाएगा। हाँ। ये सबसे लोग सभी बोलते हैं। हाँ। मुझे भी राइटिंग में लगता था जब मैं छोटा था। जब जैसे जैसे बड़ा हो गया तो दिखते गया कि घोड़ा सोता है, 2-3 घंटे के लिए सोता है, खुद की बॉडी रिलैक्स करता है, जिससे अगर राइडिंग करने के बाद हम उसे सैंड बैग देते हैं, जैसे अल्टी पल्टी बोलते हैं जो रेत पर, वो होने के बाद घोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही सोता है या फिर बैठ जाता है? ज्यादा से ज्यादा स्टैंडिंग में ही सोता है, पर 2-3 घंटे वो रिलैक्स करता ही है, हर घोड़ा बैठता है नीचे। मे बी इसलिए भी लोग ये सोचते होंगे कि घोड़ा सोता नहीं है, क्योंकि मोस्टली सब उसको स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं। एक्चुअली रात में अगर आप देखोगे 2-2 बजे या 1:30-2 बजे तो वो घोड़ा सोकर ही आपको दिखेगा। अच्छा सर ये बताइए, हमने सुना है कि बेयर बैक राइडिंग, शो जंपिंग और लास्ट जॉकी ट्रेनिंग जो होती है हॉर्स राइडिंग के कोर्स में, तो क्या है इसके प्रकार? शो जंपिंग मींस हर्डल से, जिससे हर्डल से आपको जंप करवाना। पहले के राजा महाराजा ऐसे थे कि जब घोड़े चलते चलते जैसे पहाड़ आ गई या कुछ पत्थर आ गया तो जंप करते थे। अच्छा। अभी ये ओलंपिक गेम बन गया है ये पूरा, तो शो जंपिंग में हर्डल्स रहते हैं, जैसे 80 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर से आपको जंप करवाना है। अच्छा, मतलब उतने डिस्टेंस पे जंप? डिस्टेंस से। बेयर बैक जंपिंग क्या होती है? बेयर बैक जंप नहीं होता, एक बेयर बैक एक राइडिंग स्टाइल है राइड करने की, जिसमें आपको विदाउट सैडल राइड करना पड़ता है। ओके। जिससे आपकी जो थाई ग्रीप होती है, जो नी ग्रीप होती है हॉर्स पर बैठने की, आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तब आप जाके बेयर बैक राइडिंग कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं बेयर बैक राइडिंग। एंड बेयर मीन्स नेकेड, हॉर्स पे सिर्फ रेंज रहेगा, लगाम लगी रहेगी, बाकी उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, बेयर बैक रहेगा। सर ये बताइए कि लास्ट जॉकी ट्रेनिंग जो है शायद से आखिरी का स्टेप है, जब वो बहुत व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, तो कैसे करते हैं वो? एक्चुअली जॉकी ट्रेनिंग मींस रेस का जो रहते हैं, रेस में जो घोड़े चलते हैं। अच्छा। उसे जॉकी ट्रेनिंग बोलते हैं। मतलब हम इजी वे में बोले तो विदाउट ट्रेनर की हेल्प लिए व्यक्ति कर सकता है। फुल स्पीड में जो गैलप। अच्छा। बोलते हैं लास्ट स्पीड, जैसे घोड़ा फुल स्पीड में आपको हवे के साथ सिर्फ तरंगना है, जैसे बात करना, एक्चुअली बॉडी आपके ऊपर रहेंगी और घोड़ा स्पीड में चलता रहेगा। अच्छा। और ये फुल स्पीड हाइट स्पीड कर रहे थे, 80 से 80 की रहती स्पीड ऐसे। तो इसमें कंट्रोल भी बहुत मायने रखता होगा? जी कंट्रोल बहुत मायने रखता है, चाहे आप वॉक चलाए या कुछ भी चलाए, कंट्रोल बहुत मोस्ट है। ये बताइए कि घोड़े की सवारी जो है, वो छोटा सा सवाल है लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है कि घोड़े की सवारी कैसे करते हैं और इसे सीखने में एक आम व्यक्ति को कितना समय लगता है? मैक्सिमम देखा जाए तो डिपेंड करता राइडर के ऊपर, अगर आप आपका बॉन्डिंग अच्छा है, आपका कंट्रोलिंग अच्छा है, तो आप जल्दी 15 या 1 महीने में सीख जाओगे। हमारे इधर लास्ट में अभी एक आर्मी से एक लड़का आया था, उसने 1 मंथ में कैंटर करके गया, उसका बॉन्डिंग अच्छा था, ग्रिप अच्छी थी, ग्रिप के वजह से वो जल्दी सीख कर गया। अगर कोई न्यू भी अगर पर्सन होता है तो वो 1 मंथ लगता है ये बेसिक के लिए, कि घोड़े को कंट्रोल कैसे किया जाए और बैलेंस कैसे किया जाए, ये चीजें आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मतलब मिनिमम 1 मंथ पकड़ के चल सकते हैं। और घोड़े की सवारी कैसे करते हैं, इन द सेंस सर पैर प्रॉपर किस पोजीशन में होना चाहिए, हाथ जो है वो प्रॉपर किस तरफ होना चाहिए, इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है? जी इस पर भी ध्यान दिया जाता है। आपको रेंज पकड़ना है तो 3 फिंगर में रेंज पकड़ना। अच्छा। है बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी स्ट्रेट चाहिए और जो पैर है टो अप हील डाउन चाहिए। ये बताइए मैं कि यदि किसी को घोड़ा सीखना है तो जब हम किसी एकेडमी में जाते हैं तो बहुत सारे वैरायटीज के घोड़े दिखते हैं, तो क्या हम अपने हिसाब से घोड़े का चयन कर सकते हैं? हाँ, जैसा हमारे राइडिंग क्लास में कैसा होता है, कोई नया बच्चा है, न्यू कमर कोई सीखने को आ रहा है, तो उसको हम पहले बेसिक हॉर्स देते हैं जो की थोरोब्रिड रहते हैं, जो पूरे प्रॉपर वेल ट्रेंड रहते हैं, स्टार्ट उसी से करते हैं। फिर जैसा जैसा बच्चा सीखता है 1 मंथ 3 मंथ फिर वो एडवांस की तरफ जाता है, एडवांस कोर्स की तरफ जाता है, तो हम उसको ये देते हैं इंडियन हॉर्स देते हैं, एंड उसकी जब थाई ग्रिप या नी ग्रिप उसकी हो जाती है, उसके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं हॉर्स राइडिंग के हिसाब से,
तो फिर उसके लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर वो अगर सीख गया हो तो फिर अपने हिसाब से कोई भी इंडिया का या कोई भी वर्ल्ड का हॉर्स चूज करके बैठ सकता है और राइड कर सकता है अपने हिसाब से और कहीं भी राइड कर सकता है। अच्छा प्रमोद सर, ये बताइए कि जैसे मैंने अभी पूछा कि यदि किसी को घोड़ा सीखना है तो वो अपने हिसाब से घोड़े का चयन कर सकता है क्या? तो हमने कई बार सुना है कि मेल हॉर्स की अपेक्षा फीमेल हॉर्स जो है वो बहुत साइलेंट होती है, मतलब इजीली लोग पहली पसंद जो है वो फीमेल हॉर्स को करते हैं, तो सही है ये बात? जी सही है। क्या फर्क आता है दोनों में? एक्चुअली जैसे स्टाइलियन कैसे मस्ती वाला रहता है और फीमेल एग्रेसिव होता है, थोड़ा एग्रेसिव मस्ती करता है, अगर कोई राइडर बैठा है तो थोड़ा गिराने के लिए देखता है। अच्छा, लेकिन आपका अगर बॉन्डिंग अच्छा है, कंट्रोलिंग अच्छा है तो आप नहीं गिराओगे। और फीमेल ऐसी है कि प्रॉपर आपकी शांति से चलती हो, ज्यादा मस्ती नहीं करती, कुछ नहीं करते। अच्छा, रियल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस है आपको कभी? जी हाँ है। एक्चुअली मेरे पास जितने भी अभी हॉर्स है, फीमेल हॉर्स बहुत बेसिक इससे चलते हैं। कुछ कुछ हॉर्स एडवांस वाले जो रहते हैं वो थोड़ा मस्ती वाले रहते हैं, उनसे हैंडल करना थोड़ा ये रहता। अब ये बताइए कि अगर बाय चांस कभी कोई घोड़ा अनबैलेंस हो जाए तो आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उसे शांत करते हैं, थाप मार कर। अच्छा। या गुड़ रहता है, गुड़ खिलाकर, क्योंकि अगर आप मीठा कुछ खिलाओगे तो वो प्रॉपर इससे चलने लगता है। धीरे धीरे उसे शांत करके एक दो हाथ में लेकर उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं राइडिंग। मैं आप किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं हॉर्स को? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट अगर राइड होने के बाद में उसको थोड़ा शाबाशी देते हैं, क्लैप करते हैं उसको, उसको थोड़ा ट्रीट देते हैं कि आज आपने हॉर्स ने बहुत अच्छी राइड की, ट्रीट देते, उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं थोड़ा सा, उसको उसके साथ खेलते, उसके बातचीत करते हैं कि आज मैंने ये किया, दिन भर वो करते, उससे एक बॉन्डिंग बन जाती है। अब कोई भी एनिमल्स हॉर्स के साथ बॉन्डिंग बन जाती है, तो बस ऐसे नहीं, ये बॉन्डिंग तो प्यार मोहब्बत वाली हो गई। पर एज अ ट्रेनर कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कभी हंटर से मारते हैं? कभी कभी नहीं, हंटर है ना, अगर बहुत नहीं सुन रहा है तो वही एक क्या, उसको सिर्फ डराने के लिए, कभी उसको हर्ट करने के लिए नहीं, उसको सिर्फ डराने के लिए कि भैया मेरे पास है, मैं यूज कर सकता, कभी यूज नहीं किया है, तो एक डराने के लिए साथ में रखते हैं। और एक बॉन्डिंग बन जाती है तो उसको भी समझता है कि भाई अभी अपना ट्रेनर चीट है, तो वो भी समझ जाता है कि वो प्रॉपर राइडिंग करने लग जाता है। अच्छा, कंट्रोल कर लेता है खुद को। हाँ, वो भी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, बस थोड़ा हमको पेशेंस रखना पड़ता है, तो सब प्रॉपर हो जाता है। फिर कैसे आवाज से वो घोड़ा चलता है। अच्छा, जैसे आप कमांड दोगे तो उससे चलता है, जैसे सर्कस का जो शेर जो जैसा वो चलता है ना, जो रिंग मास्टर रहता है, रिंग मास्टर से ही चलता है। आपकी आवाज जैसे आवाज से वो घोड़ा प्रॉपर चलने लगता है। एक आवाज में तो अगर आपके बॉन्डिंग अच्छी तो आप आवाज भी दोगे तो आपके पास में चलती है प्रॉपर आ जाता है। अच्छा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने अगर मस्ती किया थोड़ा सा तो मुझे मार पड़ेंगे। अच्छा, इस हिसाब से हो सकता है। अच्छा प्रमोद सर, आप तो 10 साल से इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं एज अ ट्रेनर, आपने किस उम्र में इसकी शुरुआत की थी, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे एक एकेडमी की शुरुआत करनी है और एक छोटे से लेवल से शुरुआत करके आज आपका जो एकेडमी है उसमें काफी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे एक्सपर्ट बन रहे हैं? मैं सबसे मेरा भाई ट्रेनर था, ट्रेनर होने के वजह से मैं रोज देखने जाता था तो घोड़ा कैसे ये करता है, खाना कैसे खाता है, तो उससे दिलचस्पी ज्यादा होने लगी। और मैं बचपन से कर रहा हूँ, जैसे होऊंगा 5 इयर्स, 5 साल यानी 5th क्लास में होऊंगा तब से मैं कर रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अपन इसी में क्यों ना हो जाए, और जॉब बाहर में भी किया ज्यादा से ज्यादा, पर जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि खुद का कुछ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे को अगर अपने पास है हुनर तो दूसरे को सिखा रहे तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जॉब की ये समान क्या होता है कि अपना नाम नहीं होता है, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने सोचा कि नागपुर में अपन करते हैं खुद का। जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रॉपर गढ़चिरौली का हूँ। तो सर, गढ़चिरौली जैसे एक नक्सलाइट एरिया में ये हॉर्स राइडिंग का कितना स्कोप है? वहां पर मिलिट्री स्कूल थी, गुरुवाना सैनिक विद्यालय। अच्छा, तो वहां पर मेरा भाई ट्रेनर था तो उसी से इसे निकला। और एक्चुअली मैडम और है लोगों में वहां पर भी इंटरेस्ट बहुत लोगों में, और धीरे धीरे नागपुर में भी ये हो रहा है। लेकिन पूरे नागपुर शहर की बात की जाए तो एकमात्र आपकी ही एक हॉर्स राइडिंग की एकेडमी पूरे नागपुर में दिखाई देती है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिसको हॉर्स राइडिंग करना है लेकिन उनको इसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है,
बालाजी टेम्पल के पास आपकी एकेडमी है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे सीधे संपर्क या फिर जहां आपकी एकेडमी है वहां पर आप आकर विजिट भी कर सकते हो, या तो आप संपर्क भी कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट नंबर है 9545491760। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये बताइए कि हॉर्स राइडिंग में स्कोप कितना है? मतलब होता है ना, हर इंसान अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसका लेवल कहाँ तक है? मतलब क्या एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जो बच्चा है अगर हॉर्स राइडिंग में बहुत ज्यादा वो अच्छे से ट्रेंड हो जाए तो क्या उसके जाने के चांसेस होते हैं? जी, ये ओलंपिक गेम है। अच्छा। आप ओलंपिक तक भी जा सकते हो, या तो आप अगर सर्टिफिकेट से आप गवर्नमेंट की जॉब के लिए ये भी कर सकते हो। जैसे क्रिकेट, कबड्डी, ये चीजों में ज्यादा जितना महत्व है उतना हॉर्स राइडिंग में भी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इसका बहुत क्रेज है। इंडिया से हमारे इम्तियाज अनीस सर भी, वो भी जा चुके हैं, और फौज मिर्जा है वो भी जा चुके हैं बैंगलोर के, अभी रिसेंट में वो जाकर आए। अच्छा, मतलब स्कोप है और आने वाले दिनों में इसका स्कोप और बढ़ सकता है। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कुछ स्पेशल ट्रिक बता दीजिए आप जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है हॉर्स के बारे में। इस स्पेशल ट्रिक तो जैसा है कि अगर आप कोई भी हॉर्स के पास जाते हो या कोई भी एनिमल्स के पास जाते हो तो कुछ उसे चीजें दीजिए जिससे वो आपके पास आ जाए, बॉन्डिंग हो जाए, धीरे धीरे उसके साथ प्यार के। और सबसे मेन है डॉग रहे या हॉर्स रहे तो आपको प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो या कुछ ना बोलो, पर उसके साथ बात कीजिए, वो समझ जाते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज समझना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेस एक्सप्रेशन, हाव भाव भी पता रहे तो बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। मैं कहा बताइए आप कैसा ट्रिक अपनाते हैं? मैं तो वही थोड़ा सा सब कुछ खाने के लिए लेके जाता हूँ, जैसे सीजन में कैरेट है, गुड़ है, चने है, ये अपने वो चने के पेड़ आते हैं ना, हरे चने के, वो उसको लिखे जाता हूँ, उसको थोड़ा उस प्यार करता हूँ, वॉक लेके जाता हूँ उसको, तो ऑटोमेटिकली उससे तो बॉन्डिंग बन जाती है, मैं खेलता हूँ थोड़ा ऐसे ही तो बॉन्डिंग बन जाती है। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ, हमने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया था हॉर्स राइडिंग ट्रेनर प्रमोद लाडवे जी को और साथ ही साथ असिस्टेंट ट्रेनर मयंक को। दोस्तों, हॉर्स राइडिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत को लेकर, तब तक के लिए आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज, और मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।